वाह। अच्छा मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारी बहुत खूबसूरत ऑडियंस बैठी है और इतना बड़ा हमारा नाम हमारे साथ मौजूद है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसे सवालात होंगे जो इनमें से कोई मैम से पूछना चाहता है। हाँ जी, तो आप बिल्कुल आपको आप पूछना चाहती हैं, माइक आपके पास है। मैं मैम से ये पूछना चाहती हूँ, सलाम कौन करेगा, मेरे अब्बू? वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने अभी तक जितने भी ड्रामे और फिल्में की हैं उसमें से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा? अरे वेरी नाइस, ये वाह, बहुत ही शुक्रिया आपने ये सवाल किया। और फोन रख देंगी मैम। हाँ बहुत शुक्रिया। आपका फेवरेट कैरेक्टर? मेरी सैयद नूर साहब के साथ एक मेरी फिल्म थी लाखों में एक, लाखों में एक। फिर मुझे खोए हो तुम कहाँ, अजब गुल, उन्होंने वो फिल्म डायरेक्ट की थी। नजर मेरी फेवरेट फिल्म है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मेरा नाम हमजा। हाजी भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। माइक गिर गया मेरा तुम्हारे चक्कर में, तुमने इतनी जोर से पकड़ा हुआ है कि मेरा माइक गिर गया। हाँ जी, हाँ। मीरा जी से एक सवाल है कि मीरा जी ने अभी तक शादी नहीं की और इंडिया में सलमान भाई ने भी शादी नहीं करी, अगर सलमान भाई ऑफर करें इनको शादी की तो क्या? तो सलमान भाई तो ना बोलो ना फिर। सलमान भाई से कौन शादी करता है? सलमान खान। सलमान मैम अगर आप, हमारे तो भाई हैं वहाँ, सलमान खान ने शादी तो भाई हैं यहाँ, आपने शादी नहीं की, तो अगर सलमान खान आपसे शादी करना चाहें? जी सलमान खान ही इज द बिगेस्ट सुपरस्टार इन द वर्ल्ड। तो अगर वो आपको प्रपोज करें तो आप हाँ बोलेंगी या ना बोलेंगी? ऑफ कोर्स यस। ओह यार मुबारक हो, वाह वेरी गुड। और क्या बात है। पहले तो सवाल आपसे ये था, जब आपने मतलब अपना करियर का स्टार्ट करा तो आपको क्रिटिसिज्म कैसा फेस करा आपने, मतलब कि कितना क्रिटिसिज्म आपने फेस करा? दूसरा भी साथ ही पूछ लो। और दूसरा ये सबा कमर आपकी फ्रेंड मतलब कि बेस्ट फ्रेंड है या नहीं? ठीक है, पहला ये कि जब आपने काम शुरू किया तो क्रिटिसिज्म को कैसे लिया? क्रिटिसिज्म को लिया कि लोगों ने कहा कि ये क्या कर रही हो, ये किस इंडस्ट्री में जा रही हो, ये क्या काम? देखिए क्रिटिसिज्म तो उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन मैंने घर से बाहर कदम निकाला था। मैम दूसरा सवाल, क्योंकि हमजा आपका दूसरा सवाल क्या था? नामुमकिन बात थी जी कि मेरा घर से निकलना, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन दूसरा सवाल ये था कि आपके मतलब कि सबा कमर आपकी बेस्ट फ्रेंड है? सबा कमर? हाँ सबा कमर मेरे ख्याल में वो चाहती नहीं है डे वन से कि मैं काम करूँ, मैं नजर भी आऊँ। सबा कमर जी? जी हाँ। मैम आपने इतना अच्छा उनके साथ एक ड्रामा भी किया था सलमा और सितारा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं लोग कहते हैं, मैनेजमेंट के लोग कहते हैं कि वो आपके बारे में बहुत बुरा भला कहती हैं, आपको पसंद नहीं करती या कहीं भी आपके साथ कास्टिंग की। हाँ। नहीं तो लोग तो आपको पता है कास्टिंग के बारे में बात होती है। नहीं लोग क्यों कहते हैं? आप तो उनसे डायरेक्ट बात कर सकती हैं। मैम आपने कभी नहीं सोचा कि मैं कॉल करके क्लियर कर लूं उनसे? लोग तो बोलते रहते हैं। आपको बता दिया आज। हाँ, मैंने सोच लिया है कि मैं कोई बात दिल में नहीं रखूंगी जी, सारी बातें बता दूं। हाँ यानी कि मुझे जो मुझे कंप्लेन जो मुझे शिकायत है या मुझे सुनने में आता है, मैंने कभी डायरेक्टली उनसे नहीं सुना, लेकिन जो मुझे सुनने में आता है। गलतफहमी भी तो हो सकती है ना आप? नहीं मुझे लोग बताते हैं। लोग बताते हैं भाई, लोग बताते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि वही लोग उनको जाके बताते हो आपके बारे में। मुझे लोग बताते हैं जी, तो वो वही लोग हैं जो उनके दोस्त हैं, वो उनके करीबी हैं। क्या पता लोग ये चाहते हो कि मीरा और सबा कमर की दोस्ती ना हो जाए। मुझे तो फिर अगर जो उनके करीबी हैं तो वो अच्छा मैसेज क्यों नहीं देते, अच्छी बात क्यों नहीं करते जी।